नमस्कार। आज का हमारा वीडियो का विषय है आउट ऑफ ऑफिस सेटिंग इन गवर्नमेंट ईमेल ऑप्शन। ज़्यादातर लोग जो आप में से अगर कभी किसी ने प्राइवेट सेक्टर में काम किया होगा तो वहाँ पर ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जब कोई व्यक्ति या जो हमारा एम्प्लॉय है वो कहीं लीव पर जाते हैं तो वो अपने ईमेल में एक आउट ऑफ ऑफिस की सेटिंग कर देते हैं ताकि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति जो उन्हें कोई ऑफिशियल मेल करता है तो ऑटोमेटिकली ईमेल से एक रिप्लाई जनरेट होता है और उनको उनके मेल के करस्पॉन्डिंग वो रिप्लाई चला जाता है कि वो व्यक्ति आउट ऑफ ऑफिस है। तो वो जो भी मैसेज लिखते हैं वो मैसेज जो है उनको डिलीवर हो जाता है कि अभी ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस डेट से इस डेट तक के लिए बाहर है, तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि अभी उनका काम नहीं हो पाएगा, या अगर उन्होंने मैसेज पे मेंशन किया है कि मेरी एब्सेंस में या मेरे इस लीव पीरियड पर इन पर्टिकुलर व्यक्ति को ईमेल किया जा सकता है या कॉन्टेक्ट किया जा सकता है तो उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सेम ऑप्शन जो हमारे पास आउट ऑफ ऑफिस का है वो हमारे NIC ईमेल आईडी यानी हमारी गवर्नमेंट ईमेल आईडी, चाहे वो किसी भी डोमेन पर हो उस पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। एज सच ये प्रैक्टिस गवर्नमेंट सेटअप में देखने को कम आती है, मगर चूंकि ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है तो इसको हम देखते हैं, ये बहुत सारे लोगों को काफ़ी काम आ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारी ये जो स्क्रीन है जहां हम अपनी ईमेल आईडी यूजर ने पासवर्ड डालते हैं उस पर डालने के बाद जो हम लॉगिन कर जाते हैं तो हमारे पास हमारा अंदर आते हैं तो इनबॉक्स वाला टैब आता है। फिलहाल मैं कंपोज वाले टैब में हूँ और हमको जाना है हमारे प्रेफरेंसेस वाले टैब पर। तो मैंने ये प्रेफरेंसेस वाले टैब पे क्लिक कर दिया। जब आप प्रेफरेंस वाले क्लिक पे करेंगे तो लेफ्ट पैनल पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इनको हम कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे हमें आउट ऑफ ऑफिस पे क्लिक करना है, ये मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। आउट ऑफ ऑफिस पे आप जब क्लिक करेंगे तो राइट साइड में जो ऑप्शन आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है वहां पर सबसे पहले यहाँ पर आउट ऑफ ऑफिस में अभी करेंटली डू नॉट सेंड ऑटो रिप्लाईज लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ऑटो रिप्लाई जाए, सामने वाले व्यक्ति को पता चले कि आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको ये वाला जो रेडियो बटन कहते हैं इस रेडियो बटन को क्लिक करना होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ पे मैसेज लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम ऑन लीव एंड सो प्लीज कॉन्टेक्ट मिस्टर XYZ ऑन हिज ईमेल आईडी XYZ@NIC.in। ये मैंने एक डमी कोई ऐसा एक मैसेज डाल दिया, आप चाहे तो यहाँ मोबाइल नंबर जो भी मैसेज लिखेंगे उनको वो चला जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन और है, यहाँ पर सेंड स्टैंडर्ड ऑटो रिप्लाई मैसेज आपका एक्सटर्नल जो है, ये यहाँ पर और भी ऑप्शन है आपके पास कि आप सिर्फ अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं यानी आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको ही ये मैसेज भेजना चाहते हैं, या आप बाहर के जो डोमेन है यानी जो प्राइवेट डोमेन पर लोग हैं जीमेल याहू उनको भी ये आप मैसेज भेजना चाहते हैं। उस तरह के ऑप्शंस आप इस इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आप किन को भेजना चाहते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट है कि टाइम पीरियड, किस टाइम पीरियड में ये मैसेज जाने चाहिए। तो हमको पहले अगर टाइम पीरियड मेंशन करना है तो इस चेकबॉक्स को ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एक स्टार्ट डेट और एंड डेट देनी पड़ेगी। जैसे अभी फिलहाल स्टार्ट डेट में मान लेते हैं 7 नवंबर है और एंड डेट में आप कोई और दूसरी डेट ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने 8 नवंबर ले ली उदाहरण के लिए। और यहाँ पर आप उसका टाइम वगैरह, यहाँ ऑल डे सिलेक्ट है, अगर मैं इसको डी सिलेक्ट कर दूंगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो कितने बजे से कितने बजे तक आप चाहते हैं वो मेंशन टाइम पीरियड भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, मैं फिलहाल ऑल डे रहने देता हूँ। इसके अलावा आप चाहें तो कैलेंडर अपॉइंटमेंट भी सिलेक्ट करके, अगर यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ आउट ऑफ ऑफिस आपका लिखा हुआ है या बिजी लिखा है तो ये आपके कैलेंडर में भी ये शेड्यूल में आ जाएगा कि इस पीरियड में आप बिजी हैं या आप इस पर्टिकुलर पीरियड में आउट ऑफ ऑफिस हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए ये जो मैसेज अभी हमने लिखा है ये मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को मिले और बाहर के जो डोमेन के लोग यानी जीमेल याहू पे हैं उन्हें कोई और मैसेज जाए, तो हमारा ये जो बॉक्स है इसमें अगर मैं आ जाऊं तो इसमें आप देखिए सेंड कस्टम मैसेज टू दोस नॉट इन माय ऑर्गेनाइजेशन, जो अगर मैं इसको ले लेता हूं तो नीचे एक और टेक्स्ट एरिया खुल जाता है। तो यहाँ मैं ही पे कोई भी मैसेज ऐसा करती हूँ, मैंने जैसे रफली टाइप कर दिया तो अपना मैसेज हम अपना टाइप कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ पे चुना है और नीचे ये टेक्स्ट एरिया खुला है तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मैं अगर चाहूँ इसको मैं हटा दूँ और ये इसी तरह से ब्लैंक रहे तो मुझे फिर लेफ्ट पैनल पे ये जो सेव बटन ये सेव नहीं करने देगा।
इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन लिया है तो मुझे ये नीचे जो एरिया में मैंने ये लिखा है, ऐसा कोई ना कोई मैसेज मुझे मेंशन करना ही होगा, अदरवाइज ये प्रेफरेंस टैब से हमें अपने डेटा को सेव नहीं करने देगा। एक तो इम्पोर्टेंट बात ये है, जब आप सेव कर लेंगे तो आप दोबारा अपने इनबॉक्स में आ जाएंगे। और इम्पोर्टेंट ये है इसमें एक पॉइंट की, जिस भी व्यक्ति ने आपको मेल किया है उसको एक बार आपका आउट ऑफ ऑफिस रिलेटेड मैसेज जाएगा, एक बार केवल। तो ये छोटी सी जानकारी है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने आप को मेल करके इसको टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा आउट ऑफ ऑफिस का मैसेज आता है। कई ओकेजन पे ये आपके काम आ सकता है, ऐसा जैसा मैंने मेंशन किया था कि गवर्नमेंट सेटअप पे इसको देखने को नहीं मिलता है, मे बी शायद ये प्रैक्टिस में नहीं है, इतनी लोगों को जानकारी नहीं है, पर यूजफुल फीचर है जो कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही आम है। तो मुझे आशा है शायद कुछ लोगों को ये वीडियो मदद कर सके। इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।